ये वाला हाथ मुड़ तो रहा है लेकिन जोर नहीं लगा पा रहा। तबीयत बहुत खराब है, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। मेरी बाइक दरअसल ऐसे गिरी कि एक्सेप्ट ही नहीं थी कि वो गिर जाएगी वहाँ, और मेरी बाइक के टायरों ने धोखा दे दिया। वो टायर बहुत ही घिसे हुए हैं, और आप ये गलती मत करना। और बबलिंग बहुत ज़्यादा मार रही है बाइक, इस वजह से मैं गिर गया। आज क्या बोलूं, कैसे हो लाडलो या दोस्त जो भी समझो, आज मैं रो ही रहा हूं, बस आंसू अंदर हैं बाहर नहीं आ रहे। कुछ टाइम पहले आ गए थे जब मैं शेविंग करवाने गया था ना, तो बड़ी मुश्किल से अंदर रोक पाया। मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, अगर आपने स्पीति की वीडियो ना देखी हो, मतलब मैं जब स्पीति गया था, जब मेरी बाइक स्केट कर गई थी, जब मैं गिरा था, और अब मैं इसको क्या कहूँ, मैं बहादुर हूँ या बेवकूफ़ नहीं बता पाऊँगा। मैं बेवकूफ़ हूँ या बहादुर ये समझ में नहीं आया। 3 महीने से मैं पेन सहन कर रहा हूँ, हड्डी टूटने का पेन सहन कर रहा हूँ, और हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। मतलब ज़्यादा बहादुर भी किसी काम का नहीं है। किसी राइड पे, अब मेरी अभी राइड थी ना बद्रीनाथ जाने की, वो राइड भी कैंसिल हो गई। मैं अब कहीं नहीं जा पाऊँगा 3 महीने। हेटर्स तो बहुत खुश होंगे आज, लेकिन इतना भी खुश मत होना, अड़ियल दिमाग का हूँ। जब 3 महीने हड्डी टूटने का दर्द सहन कर सकता हूँ, प्लस्तर मेरे लिए क्या है, कुछ भी नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ नट, एक स्क्रू डलेगा जब मेरी जो सबसे वीकनेस हड्डी है ना वो टूटी है, मतलब जो सबसे घटिया वाली हड्डी है वो टूटी है। अभी जो स्क्रू डलेगा इसमें, उस स्क्रू का पूछने जा रहा हूँ मैं, उस स्क्रू का प्राइस 9,000 रुपये है। वो स्क्रू बुक कराना पड़ेगा, उसके बाद वो स्क्रू आएगा और फिर ऑपरेशन होगा। उसके बाद 3 महीने मैं कहीं भी नहीं जा सकता। आज बोलने को तो बहुत कुछ है, फिर बोल नहीं पा रहा मैं। हाँ जी, वीडियो देखो आप भी दुखी हो जाओगे, आवाज बहुत भारी हो गई मेरी। गला दर्द, मतलब एक अंदर वाले दर्द से दुख रहा है। 89 स्क्रू का ऑर्डर 2 दिन, मतलब 1 दिन लगेगा स्क्रू का ऑर्डर करने के बाद, 1 दिन बाद स्क्रू आ जाएगा। तो भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी कि कब मैं ऑपरेशन करवाऊँ, तो उसी के हिसाब से स्क्रू मंगाऊँगा फिर मैं। तो भी डॉक्टर से बुधवार का टाइम फिक्स हुआ है, तो मंगलवार को मैंने कंफर्म करना है कि मैं आ रहा हूँ, और मंडे को मैंने स्क्रू के लिए पेमेंट डिपॉजिट करनी है। अब सब डॉक्टर के ऊपर है, जान पहचान में है, मतलब अच्छे से तो करेंगे, लेकिन बस वही है, मुझे तो डर है अभी। तो बुधवार को तुम्हारा भाई खाट पे लेट जाएगा ऑपरेशन करवा के, पूरा हाथ को सुन किया जाएगा, उसके बाद मेरे हाथ का ऑपरेशन किया जाएगा। थोड़ा गैप होगा तो यहीं से थोड़ी सी हड्डी लेके यहाँ पे भरा जाएगा गैप, और ज़्यादा गैप होगा तो नीचे से हड्डी ली जाएगी फिर भरा जाएगा गैप। तो देखते हैं,
क्या क्या, देखते हैं दर्द कितना होता है। वैसे मैंने 3 महीने हड्डी टूटने का दर्द सहन कर लिया, वो तो सुन करेंगे यार। तो लेकिन पहली बार ऑपरेशन करवा रहा हूँ तो ऐसा ही लगेगा ना, अजीब सा। चलो मैं अब आपको घर जाके मेरी एक्सरे रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरी एक्सरे की रिपोर्ट। ये इधर डैमेज है, इधर अब आपको इसमें दिख रहा है, ये रहा, ये डैमेज है। इधर जो गैप बढ़ गया ना, इस हड्डी में गैप बढ़ गया, और इस हड्डी को गैप को कवर करने के लिए अगर थोड़ा गैप होगा तो यहीं से हड्डी लेके इधर भरा जाएगा, और ज़्यादा होगा तो इधर से हड्डी ली जाएगी और फिर गैप भरा जाएगा। तो बस आप यही प्रे करना जल्दी से मेरा हाथ ठीक हो जाए, और कुछ भी नहीं चाहिए यार। डॉक्टर कह रहे थे 3 महीने तक प्लस्तर रहेगा, तो लेकिन मैं वीडियो रेगुलर डालूँगा, करीब राइडिंग की नहीं तो मैं इंफॉर्मेशन वीडियो डालूँगा जो भी है। मैं आप अगर मेरे को 2-3 टॉपिक लगा सोच रखे हैं मैंने कि उस पर वीडियो बनाऊँगा, आप भी कमेंट करके मुझको बता सकते हो कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। तो बस यही था मेरे, बस थोड़ी सी प्रे करना मेरे लिए, मैं जल्दी रिकवर कर जाऊँ, फिर उसके बाद मैं माना पास तो अब नहीं जा पाऊँगा, मैं कहीं भी नहीं जा पाऊँगा अब लॉन्ग राइड। 3 महीने तक मैं लॉन्ग राइड नहीं कर पाऊँगा। लोकल राइड अगर मैं, मेरा दिमाग घूमता है तो वैसे ही मैं 3 महीने तक जब दर्द सहन कर सकता हूँ तो मैं राइडिंग भी कर सकता हूँ। हाँ बस उसमें बाइक भागी नहीं, क्योंकि इससे एक्सीलरेशन पावर ज़्यादा है, ये गियर लगाने से ऑटोमेटिक हल्के से क्लिच छोड़ दो अपने आप चल पड़ती है बाइक। मेरा ज़्यादा मन करेगा तो मैं कर शायद राइड भी करूँगा। तब तक आप भी कमेंट करके बस आ सकते हो कि मैं क्या वीडियोस बनाऊँ, किस चीज़ पे बनाऊँ। अगर मैं राइड नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई टॉपिक होगा तो उस पर वीडियो बना लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करता हूँ जल्दी से डालूँगा, मतलब तो अब मैं हर वीक ही एक वीडियो डाल पाऊँगा, ज़्यादा नहीं डाल पाऊँगा, उसके लिए सॉरी कि थोड़ी मेरे लिए प्रे करें। तो आज आपका भाई आज जुड़ के जा रहा है, क्योंकि हाथ ही टूट रहा है तो पहले ही आज जुड़ लेता हूँ। मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना, मैं बस अब हर हफ्ते ही डाल पाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैं इसलिए बोलता हूँ, मेरी आदत है।